वो दोनों का सारा व्यापार नष्ट हो गया और जो उसने कमाया बनिया भगवान की श्राप के कारण महल आदि धन जेवरात वो सब भगवान की अनुकंपा से सारा धन आदि नष्ट हो गया। वो माँ और बेटी मानसिक कष्ट को झेलना प्रारंभ करती है। ये सब उसके बचनों का क्रोध के कारण हुआ। इति रेवान खंडे सूर्य श्री सत्यनारायण भगवान की सारा वैभव उसे दुख आदि को मिल गया। अंत काल ऐसा आया कि लीलावती और कलावती को भीख मांगने पर सम्मिलित हो गया, यानी भिक्षा मांगने पर दोनों भिक्षा मांग रहे। लेकिन एक दिन की बात है, कलावती कन्या भूख से इतनी व्याकुल हो गई थी कि वो घर से निकलकर नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकल गई। भिक्षा मांगते मांगते उसने भी एक ब्राह्मण की चौपट पर मांगना प्रारंभ किया। लेकिन उसने देखा इस ब्राह्मण के घर में श्री हरि की कथा हो रही है। उसने देखा और भगवान से बहुत विनती की। जब कथा समाप्त हुई तो ब्राह्मण ने उसको कलावती कन्या को प्रसाद पंचामृत दिया और वे घर में लाकर अपनी माता से कहती, हे माता ये लो ये प्रसाद है। तब लीलावती को अपना भूल का स्वीकार हुआ। उसने कहा अपनी पुत्री से, लीलावती हे पुत्री, तुम्हारे पिता ने संकल्प किया था कि जब हमारे घर कोई संतान जन्म लेगी तो मैं हरि की कथा करूंगा। लेकिन तुम्हारे जन्मने के पश्चात भी तुम्हारे पिता ने पूजा से किया और तुम्हारे मेरा सारा वैभव मेरी सारी संपत्ति मेरा सारा राज सब भगवान हरि ने ही हर लिया है। ये तुम्हारे पिता का भूल का सुधार है। इसलिए हे पुत्री मैं कल यानी मैं कल प्रातः काल नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण करूंगा और जो मुझे भिक्षा में धन प्राप्त होगी अन्न आदि मैं उसी से भगवान हरि का अवश्य करूंगा। इसलिए पुत्री मैं कल ही लीलावती ने